ओके ओके, ऑडियो इज क्लियर। नो सर, नो सर, नो सर मतलब क्या होता है? नो सर का मतलब नो इशू। ओके ठीक है, सो आई थिंक इस बार ऑडियो क्लियर है। ओके तो आज का सेशन स्टार्ट करने के लिए, आज का सेशन स्टार्ट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि लास्ट सेशन में हमने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का पार्ट वन कंप्लीट किया था। आज के सेशन में मैं कोशिश करूंगा कि मैं बाकी पोर्शन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कवर अप करवा दूं। अब दो चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है मुझे बीच में आज ब्रेक देना पड़े थोड़ी देर के लिए, लाइक 15 मिनट का या आधे घंटे का ब्रेक देना पड़े। ठीक है, हो सकता है मैं बीच में आपको ब्रेक दूं और ब्रेक के बाद हम फिर से रिज्यूम करें, क्योंकि अभी भी हमारे पास जो कंटेंट बचा हुआ है वो बहुत ज्यादा बचा हुआ है। ठीक है, ओके। बाकी मैं आपके अभी लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपके कुछ सवालों के जवाब सारे के सारे देता रहूंगा। आप रोज के रोज ये ना पूछे मुझसे कि सर ये लेक्चर कब तक अवेलेबल रहेगा। जब हमारा डिसाइडेड है कि लेक्चर अगर मैं दिन में ले रहा हूँ, सुबह या दिन में रह रहा हूँ, तो रात को 10 बजे तक तो अवेलेबल रहता ही है। तो ये आप बार 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 मुझसे ना पूछें कि सर ये लेक्चर कब तक अवेलेबल रहेगा, या बाकी लोगों को परेशान मत करें। ठीक है, अच्छा अब कुछ इम्पोर्टेंट बातचीत स्टार्ट कर लेते। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट बातचीत करना चाह रहा हूं। पॉइंट नंबर वन, सर ये लेक्चर कब तक पब्लिक रहेगा? सर ये लेक्चर कब तक पब्लिक रहेगा? दिस लेक्चर विल बी मेड पब्लिक टिल 10:30 टुडे, 10:30 PM टुडे। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, मुझे लगता है बहुत सारे नए बच्चे जुड़ रहे होंगे शायद, इसीलिए उनको पता नहीं होगा, या फिर पुराने बच्चे, सम ओल्ड स्टूडेंट्स हु आर ऑलरेडी कंटिन्यूइंग विथ मी फ्रॉम वेरी बिगनिंग, लाइक फ्रॉम डे वन क्लासेस, लेक्चर वन क्लासेस, शायद वो भी बार बार इस चीज को नहीं समझ पा रहे जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। माई प्राइम मोटिव इज टू प्रोवाइड यू क्लासेस। वेन आई एम प्रोवाइडिंग यू द क्लासेस, माई प्राइम मोटिव इज यू शुड अटेंड द लेक्चर लाइव, ईदर और ऑन द सेम डे। एंड दिस इज द रीजन मैं उस लेक्चर को पब्लिक कर रहा हूँ उस दिन के लिए। मेरा प्राइम मोटिव ये है कि आप वो चीज को जिस दिन हो रही है उसी दिन करके खत्म कर लो। अगर मैंने लेक्चर्स को पब्लिक किया, मुझे यकीन है कि आप मेरे लेक्चर्स देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे, बट आज मेरे वो, और ये यकीन नहीं है कि वो लेक्चर आप आज देखेंगे कि कल देखेंगे कि एक दिन, एक महीने बाद देखेंगे। आपके अंदर एक लेजीनेस क्रिएट हो जाएगी कि चलो ठीक है, लेक्चर तो पब्लिक हो चुके हैं ना, अब तो ठीक है मैं कभी भी देख लूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं तो एग्जाम टाइम में देख लूंगा। और यही सिचुएशन मैं क्रिएट नहीं करना चाह रहा हूँ, इससे आप अपनी पढ़ाई को नुकसान दे रहे हो। मैं उस चीज की इंपॉर्टेंस समझता हूँ, बीइंग अ टीचर और प्रीवियस स्टूडेंट होते हुए मैं समझता हूँ उस चीज की इंपॉर्टेंस। तो मैं चाह रहा हूँ कि जो टॉपिक आज के दिन करवाया गया वो आज के दिन बच्चा कवर अप कर ले मेरे साथ लाइव, या फिर रात को 10 बजे तक। इसकी ये इंपॉर्टेंस है। नाउ इफ यू वॉन्ट कि मैं उसको एक्सटेंड करूं, पब्लिक करूं, वो नहीं हो पाएगा। ये दो बातें। तीसरी बात, जिन बच्चों ने मेरे चार्ट्स परचेज किए हैं वो मुझे शायद यूं कहें कि इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं कि सर हमने तो आपके चार्ट्स परचेज कर लिए, हमें तो लेक्चर देने चाहिए आपको। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं फास्ट ट्रैक रेगुलर के, वो मुझे इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं। कुछ बच्चे ये इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं कि सर अगर आप लेक्चर ही पब्लिक नहीं करोगे तो हम आपका चार्ट क्यों खरीदें। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, चार्ट्स वैसे भी आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, सॉफ्ट कॉपी में, ठीक है ना, उसमें वाटरमार्क डला हुआ है COVID-19, शायद चैट पे भी कुछ बच्चे आपको बता रहे थे, आप वो उससे कर लो, दिक्कत क्या है, आप प्रिंटेड चार्ट्स मत खरीदो। ठीक है ना,
तो ये इमोशनली ब्लैकमेल करने वाले बच्चों को मेरा मैसेज ये है कि बच्चों ऐसा नहीं है कि तुम मेरे चार्ट बुक नहीं खरीदोगे तो मैं मतलब चार्ट बुक खरीद ये जो इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हो तो मैं पिघल जाऊंगा। मेरा इंटेंशन क्लियर है और मैं टिल मतलब मैं सारे लेक्चर्स में अपना इंटेंशन एक ही रखूंगा कि मैं चाहता हूं आपकी स्टडी टाइम पर कंप्लीट हो। नहीं तो आजकल के बच्चों के पास बहाने ज्यादा होते हैं पढ़ाई से दूर हटने के और उनके पास रीजंस नहीं होते पढ़ाई के पास आने के। आज मैंने अगर पब्लिक कर दिए चार्ट तो आप में एक लेजीनेस क्रिएट हो जाएगा। आप बोलोगे कल देख लूंगा परसों देख लूंगा, वो कल का परसों का वो बहुत दिन बाद देख लोगे और आपकी पढ़ाई कहीं ना कहीं आगे बढ़ जाएगी। वो मैं नहीं चाहता। अब मैं उसके लिए कितनी भी गालियां खाऊं मैंने वो एक्सेप्ट कर लिया पहले से ही। आई वेलकम सच अब्यूजिव वर्ड्स ऑल्सो। तो ये तीन बातें हो गई। चौथी बात, सर हम आपके चार्ट बुक क्यों खरीदे जब पीडीएफ में अवेलेबल है। बात भी सही है, आप मत खरीदो अगर आपको बजट में नहीं लग रहा है। हालांकि मेरी चार्ट बुक 400-500 रुपए के अंदर आती है, बजट में नहीं लग रहा है तो आप पीडीएफ से काम चलाइए, दिक्कत क्या है। बट मैं आपको एक बात कह दूं, अभी मैंने अपने चार्ट बुक का नया प्रिंटिंग करवाया है और न्यू प्रिंटिंग में मैंने करेक्शंस डाले हैं। पिछले चार्ट्स में जहां जहां करेक्शंस मुझे करने थे मैंने वो भी कर दिए हैं और मैंने एक छोटे मोटे स्टैंडर्ड को भी दो एक स्टैंडर्ड और बढ़ा दिए हैं। लाइक इंड एस 1 का भी चार्ट डाल दिया, इंड एस 7 कैश फ्लो का भी चार्ट डाल दिया, ठीक है ना, इंड एस 10 का भी चार्ट डाल दिया। तो ये दो तीन चार्ट्स मैंने एक्स्ट्रा डाल दिए। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर हम तो चार्ट परचेस कर चुके हैं, सर ये हमें ऐसा कैसे। बेटा ऐसे नहीं होता, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये एक ongoing प्रोसेस है। मेरा चार्ट बुक हमेशा प्रिंटिंग से पहले रिवाइज होता ही है और ये हमेशा होगा। तो आप कभी भी मुझे मेरे से सवाल जवाब मत करना कि सर हमने तो परचेस कर लिया ये गलत है सर हमारे साथ। गलत सही कुछ नहीं होता, अगली प्रिंटिंग के लिए हमेशा मुझे चार्ट्स में कुछ चेंजेस करने ही पड़ते हैं ताकि आगे चल के उन चार्ट्स के बेसिस पर आगे चल के बच्चा उसको समझ सके, ठीक है। तो COVID-19 वाले जो PDF वाले चार्ट्स हैं वो वैसे भी पुराने हो चुके हैं, ठीक है ना, वो पुराने चार्ट्स हो चुके हैं। उसके बाद मैंने प्रिंटिंग जिनके पास प्रिंटेड चार्ट पहुंचे हैं उनको भी नए मिले हैं और मैंने अब जो नई प्रिंटिंग रखी है उसमें तो और नए चार्ट्स हैं। नए चार्ट्स हैं मतलब कुछ छोटे मोटे करेक्शंस हो गए, स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गई, ठीक है ना, उसके बाद एक दो दो तीन मैंने टॉपिक बढ़ा दिए तो वो भी हैं। तो परचेज करके ज़्यादा फायदा मिलेगा, ये वाली बात मुझे आपको बतानी थी, ठीक है। अच्छा अब यहां तक बात समझ में आ गई। एक लास्ट बात, जिन बच्चों ने भी मेरा चार्ट बुक ऑर्डर किया है वो बच्चों को अगर चार्ट बुक अभी तक नहीं मिला है उसका ये रीजन है कि चार्ट बुक हमने प्रिंटिंग पे दिए हुए हैं और आई थिंक आज रात तक प्रिंटिंग कंप्लीट हो जाएगी। प्रिंटिंग कंप्लीट होने के बाद दो दिन हमें पैकिंग वगैरह में लगते हैं क्योंकि बुक को मतलब बुक की प्रिंटिंग हो जाती है उसके बाद उसको प्रॉपरली चेक करना पड़ता है सब ठीक है कि नहीं, फिर उसकी पॉलिथिन में पैकिंग वगैरह होती है। तो दो दिन हम पैकिंग के लेते हैं। आफ्टर टू डेज वी आर गोइंग टू स्टार्ट डिस्पैचिंग, वी आर रिज्यूमिंग द डिस्पैचिंग फॉर चार्ट्स। तो जब तक आपको चार्ट नहीं मिल रहे हैं तब तक आप पीडीएफ से काम चला सकते हैं, राइट। तो चार्ट्स जिन्होंने ऑर्डर किए हैं डोंट वरी, चाहे रेगुलर वाले बच्चे जिन्होंने ऑर्डर किया उनको चार्ट्स आगे चल के मिलेंगे, शिपमेंट जिनको पार्शल मिला है उनको कंप्लीट मिलेगा, जिन्होंने चार्ट बुक ऑर्डर किया उनको आगे चल के मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैं न्यू चार्ट की ही बात कर रहा हूं, जो प्रिंटिंग है ना मैं न्यू चार्ट की बात कर रहा हूं जो कि हम आने वाले 3 दिन बाद से डिस्पैच करना शुरू करेंगे। 3 दिन बाद से हम डिस्पैच करना शुरू करेंगे, ठीक है ना। चलिए मुझे लगता है शायद मैंने आपको सभी चीजों का जवाब दे दिया है और अगर स्टिल आप लोग मुझे ये बोल रहे हो कि सर प्लीज पब्लिक कर दो 10 बजे तक, तो उसके बाद अब मैं आपके बात शायद सुन के भी इग्नोर कर दूं तो सॉरी, उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। चलिए लेट्स बिगिन द सेशन नाउ, वील रिज्यूम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, राइट। लाइव चैट को डिसेबल कर दिया है। स्टार्ट करने से पहले मैं देखना चाह रहा हूं किसी ने कोई पर्टिकुलर कोई इंपॉर्टेंट डाउट तो नहीं पूछा। सर हम पहले बोलते थे ये इंडेस के चार्ट डाल दो तब तो मना कर देते थे, अब डाल दिए और अभी आई वाना से चार्ट्स दोज से और डिटेल हो सकते हैं, अभी आप मना करेंगे आगे आप डिटेल कर देंगे। मैं समझ नहीं पाया आप क्या बोलना चाह रहे हो। सीधी बात है बेटा, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, जैसे जैसे मुझे बच्चों से फीडबैक मिलता है मैं वो चीज़ें डालते जाता हूँ।
मुझे अभी रिसेंटली पिछली क्लास में किसी ने फीडबैक दिया कि सर पैरा नंबर भी आप डाल दें तो ज़्यादा अच्छा है, तब तक मेरे चार्ट बुक प्रिंटिंग में जा चुके थे। और मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे चार्ट्स हमेशा प्रिंटिंग में जाने से पहले अपडेट होते ही हैं, और ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है किसी भी ऑथर के लिए, किसी भी बुक पब्लिशर के लिए एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। वी कैन नॉट बी 100% क्या बोलते हैं, मतलब मैं 100% करेक्ट हमेशा नहीं हो सकता हूँ, मुझे अपने आप को इम्प्रूव करते रहना पड़ेगा आपके फीडबैक को ध्यान में रखते हुए। सर यू आर द स्टूडेंट लवर बट प्लीज़ पार्ट वन विल बी मेड एस पब्लिक एटलीस्ट बाय 10। सॉरी बेटा, मैं ऑलरेडी कर चुका था। प्लीज़ फॉर द स्टूडेंट हु वर नॉट अवेयर अबाउट लेक्चर्स गो एंड गो थ्रू। दो स्टूडेंट्स हु वर नॉट अवेयर, मैं क्या बोलूँ, उसमें मेरी गलती नहीं है ना आपकी गलती है, बस ये है कि आप अवेयर नहीं थे। अब अवेयर हो चुके हो ना, तो अब से एटलीस्ट स्टार्ट करिए। आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम असेट रिलेटेड इंडेक्स छूट गया, तो आप अब तो अवेयर हो गए ना, तो एटलीस्ट यू कैन कंटिन्यू नाउ। एटलीस्ट व्हाई यू आर बिहेविंग लाइक स्मॉल किड। कैन यू प्लीज गिव एग्जांपल फॉर वेरिएबल, फॉर वेरिएबल, वेरिएबल कंसिडरेशन फॉर वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर। सिंपली सपोज आई हैव इशूड कन्वर्टेबल डिबेंचर्स एंड आई हैव एन एग्रीमेंट विद यू दैट आफ्टर 10 ईयर्स these 10 lakh face value of debentures will be redeemed based on the conditions prevailing on the market. It may be redeemed at face value or it may be redeemed at 20% premium if some conditions will become fulfilled. Now what is the condition? Agar meri company ka share price agar meri company ka share price 200 क्रॉस हो जाएगा तो मैं तेरे को डिबेंचर जो रिडीम करूंगा वो 20% प्रीमियम पर रिडीम करूंगा, और अगर वो 200 क्रॉस नहीं हो गया तो मैं तेरे को डिबेंचर फेस वैल्यू पर रिडीम करूंगा। तो अब ये वेरिएबल कंसिडरेशन बन गया। अब जब मैं तेरे को रिडीम करूंगा तो मैं तेरे को ऑप्शन दे रहा हूं कि तू वो इक्विटी शेयर के फॉर्म में लेना, और इक्विटी शेयर प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग दूंगा। प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग मैं तेरे को इक्विटी शेयर इशू करूंगा। दैट मीन्स वेरिएबल फॉर वेरिएबल, डिबेंचर का जो कंसिडरेशन है, जो मैं तेरे को डिबेंचर जो रिडीम करूंगा उसका रिडम्पशन वैल्यू भी वेरिएबल है। इट मे बी एट फेस वैल्यू, इट मे बी एट प्रीमियम, और इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी वो भी वेरिएबल है सिंपली। ठीक है, अच्छा नया चार्ट बुक कब तक अवेलेबल होगा? मैंने बता दिया, नया चार्ट बुक लगभग एवरेज 5 दिन के बाद हम डिस्पैच करना शुरू करेंगे। वैसे भी जिन बच्चों ने ऑलरेडी चार्ट बुक ऑर्डर कर दिया है उनको अगर ये चार्ट बुक नहीं मिला है तो उनको नया वाला ही मिलेगा, क्योंकि हमारा चार्ट बुक वैसे भी बहुत पहले आउट ऑफ स्टॉक हो चुका था। ठीक है ना, जितने बच्चे थे चार्ट बुक सबको दे दिए, तो अब नया वाला चार्ट बुक ही मिलेगा। और ऐसा नहीं कि ये वाला नया मिलेगा तो इसके बाद कभी भी चेंजेस नहीं होंगे। अगली प्रिंटिंग जब भी होगी, मान लो अगली प्रिंटिंग 3 महीने बाद होगी, तो हो सकता है तब तक मैं और एडिशंस कर दूं, और चेंजेस कर दूं बच्चों के फीडबैक के अकॉर्डिंग सिंपली। ओके, फाइनली वी आर स्टार्टिंग द सेशन। नाउ पहले सेशन में हमने क्या पढ़ा था? हमने पहले सेशन में फाइनेंशियल असेट की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसमें 6 पॉइंट्स थे। फाइनेंशियल लायबिलिटी की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसमें 4 पॉइंट्स थे। इक्विटी पढ़ा था हमने कि वो रेसिडुअल इंटरेस्ट होता है। इक्विटी में हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी, नॉन पुटेबल, पुटेबल सब्जेक्ट टू सम कंडीशन, वो कंडीशन सामने लिखी हुई है। और हमने तीसरा पढ़ा था इंस्ट्रूमेंट्स, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो कि फिक्स्ड नंबर ऑफ इक्विटी में सेटल होंगे। फिक्स्ड नंबर ऑफ इक्विटी में पहले दिन से ही पता है कि वो सेटल होंगे, वो भी आपका इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ही होगा। फिर हमने पढ़ा था फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का बेसिक डेफिनेशन। फिर हमने रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट में हमने पढ़ा था कि फाइनेंशियल असेट के 3 क्लासिफिकेशन होते हैं। मैंने बताया था कि क्यों क्लासिफिकेशन करते हैं, क्योंकि हर फाइनेंशियल असेट का अपना अपना अलग अलग नेचर हो सकता है। क्योंकि डिफरेंट नेचर है तो अकाउंटिंग भी सेम नहीं हो सकती, इसीलिए डिफरेंट नेचर को ध्यान में रखते हुए हमने 3 क्लासिफिकेशन कर लिए, AMC अमोर्टाइज कॉस्ट, FVTOCI FVTPL। ठीक है, इसमें हमने कंडीशन पढ़ी कि AMC में बिजनेस मॉडल और कैश फ्लो टेस्ट फुलफिल होना चाहिए, 3 कंडीशन थी। ठीक है ना, फिक्स मेच्योरिटी, इंटेंशन टू होल्ड टिल मेच्योरिटी, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट कैन जनरेट ओनली इंटरेस्ट इनकम, फिक्स इनकम, और तीसरा रीपेमेंट ऑन स्पेसिफाइड डेट्स, ये तीसरा। अच्छा FVTOCI हमने पढ़ा, FVTOCI में जहां पर मेच्योरिटी तक हमारा इंटेंशन नहीं है उसको होल्ड करने का, फिक्स इनकम नहीं है, फिक्स इनकम के अलावा कैपिटल गेन भी हो सकता है, अदर इनकम भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और तीसरा रीपेमेंट तो स्पेसिफाइड डेट्स पर ही होंगे। FVTPL रेसिड्यूअल कैटेगरी, जिसका कोई नहीं उसका FVTPL, जनरली इसमें डेरिवेटिव्स और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट जाते हैं।
अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटीज में दो ही क्लासिफिकेशन हो सकते हैं, एफपीटीपीएल और एएमसी। जनरल कैटेगरी एएमसी होती है, डिफॉल्ट कैटेगरी एएमसी होती है। अच्छा, उस एएमसी कैटेगरी में क्या होता है, एएमसी कैटेगरी के अंदर भी दो चीज़ें हो सकती हैं, कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट, नॉन कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट। कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट, नॉन कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट को अगर बात करें तो कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट मतलब ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट, डिबेंचर, बॉन्ड, ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिसमें दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स हों, लायबिलिटी, फाइनेंशियल लायबिलिटी की भी, मतलब ऑब्लिगेशन टू सेटल इन कैश, और दूसरा इक्विटी का भी, मतलब कुछ कुछ पोर्शन रेसिड्यूल हो, मतलब कुछ पोर्शन के लिए ऑब्लिगेशन है कैश सेटलमेंट में और कुछ पोर्शन के लिए हमारी ऑब्लिगेशन नहीं है। और दूसरा एफपीटीपीएल, एफपीटीपीएल का एक सिंगल एग्जांपल, डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। अच्छा, उसके बाद इनिशियल रिकॉग्निशन, इनिशियल रिकॉग्निशन हमने पढ़ा, फाइनेंशियल एसेट के केस में एएमसी का इनिशियल रिकॉग्निशन किस पे होगा, फेयर वैल्यू पर। यहां पर फेयर वैल्यू मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सीसीएफ, सीसीएफ मतलब कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज, क्योंकि एएमसी कैटेगरी का नेचर ही ऐसा है जहां पर मुझे आने वाले फ्यूचर के सारे कैश फ्लोज पता है पहले से ही पता है। क्यों? क्योंकि इंटेंशन मेरा मैच्योरिटी पीरियड तक है होल्ड करने का, रीपेमेंट्स स्पेसिफाइड डेट्स पर मिलने वाले हैं और मेरे को इनकम भी फिक्स है, तो मुझे उसका सीसीएफ पता है, कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज मुझे पता है, तो उसका प्रेजेंट वैल्यू मुझे निकालना है ईआरआई पे, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और वो जो प्रेजेंट वैल्यू आएगा वो मेरा फेयर वैल्यू माना जाएगा। ये प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हमें ट्रांजेक्शन कॉस्ट को प्लस माइनस उसी सीसीएफ में प्लस माइनस करना है, हमें ट्रांजेक्शन कॉस्ट को पीएनएल में नहीं ले जाना। एफपीटीओसीआई कैटेगरी में क्योंकि इनकम जो है वो फिक्स्ड इनकम के अलावा अदर इनकम भी हो सकती है, तो इसका मतलब यहां पर कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोस के अलावा अदर कैश फ्लोस भी हो सकते हैं जो कि नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल हो, मतलब कैपिटल गेन, नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोस। तो इसीलिए यहां पर हम एएमसी की तरह इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पर प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकालेंगे सीसीएफ का, हम इस कैटेगरी में, कहां गई भाई, हाँ, हम एफपीटीओसीआई कैटेगरी को मार्केट वैल्यू, कोटेड मार्केट प्राइस, फेयर वैल्यू पे दिखाएंगे। इसका एक एग्जांपल बता देता हूं, जैसे इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड बॉन्ड्स। नाउ गोल्ड बॉन्ड की जो वैल्यू रहेगी, वो बॉन्ड की जो वैल्यू रहेगी वो गोल्ड के मार्केट के रेट के अकॉर्डिंग फ्लक्चुएट करती रहेगी, और इसमें हमें एक फिक्स 3% का इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा। तो इस कैटेगरी को मैं एफपीटीओसीआई में डालूंगा क्योंकि फिक्स इंटरेस्ट तो है, बट उसके साथ साथ मार्केट वैल्यू क्योंकि ऊपर नीचे भी रहेगी, तो हो सकता है कैपिटल गेन, कैपिटल लॉस भी हो जाए। तो यहां पर एएमसी कैटेगरी नहीं है, यहां पर एफपीटीओसीआई कैटेगरी है। अब क्योंकि एफपीटीओसीआई कैटेगरी है, तो यहां पर मेरे पास कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोस के अलावा हो सकता है कुछ अदर कैश फ्लोस भी हो आगे चल के, जब मैं वो बॉन्ड को बेचूं या जब मैं बॉन्ड को रियलाइज करवाऊं, हो सकता है मुझे ज्यादा पैसा मिले, कम मिले मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो यहां पर कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोस के अलावा कैश फ्लोस भी है, तो इसीलिए यहां पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोस तो कर सकते हैं, पर नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो कितने हैं उसका प्रेजेंट वैल्यू तो कर ही नहीं पाओगे, इसीलिए आप यहां पर फेयर वैल्यू के हिसाब से करते हो। फेयर वैल्यू मतलब यहां पर कोटेड मार्केट प्राइस। इसका मतलब क्या हुआ, कोटेड मार्केट प्राइस मतलब उस बॉन्ड को अगर आपको बैलेंस शीट पे मेजर करना है, तो आप देखोगे कि गोल्ड का रेट क्या चल रहा है, या जो भी उसका बॉन्ड का कोटेड रेट गोल्ड का जो रेट है उसके का साथ कंपेयर करके जो भी रेट चल रहा है आप उस पे वैल्यू करो, कोई प्रेजेंट वैल्यू करने की जरूरत नहीं। इससे जो भी गेन लॉस होगा वो पेंडल में, सॉरी ओसीआई में जाएगा। एक इंपॉर्टेंट बात मुझे आपको बतानी थी, एफपीटीओसीआई एक ऐसी कैटेगरी होती है जहां पर जब भी आप गेन लॉस बुक करते हो तो आप उसको ओसीआई में ले जाते हो, राइट, बट ये ओसीआई में परमानेंटली नहीं जाता है। आगे चल के जैसे ही ये इंस्ट्रूमेंट मतलब जिसको आपने एफपीटीओसीआई में कैटेगराइज किया, जैसे बॉन्ड आपने उसको आगे चल के अगर मान लीजिए बेच दिया, खत्म कर दिया, तो आज तक आपने जितना भी गेन लॉस ओसीआई में बुक किया था उसको रीक्लासिफाई करके आप पीएनएल में बुक करोगे, क्योंकि अब वो रियलाइज हो गया सिंपली। तो यहां पर एफपीटीओसीआई कैटेगरी एक टेम्पररी कैटेगरी है, आपने टेम्पररी पीरियड के लिए उसको ओसीआई में डाल दिया क्योंकि वो आपका एक एक्सपोजर है जिसके बारे में आपको भी नहीं पता कि आप वो एक्चुअली में प्रॉफिट और लॉस अर्न कर भी रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। एफपीटीओसीआई जनरली कैटेगरी तब बनाई जाती है जब एंटिटी का इंटेंशन इमीडिएट सेल करने का नहीं है, इवन एंटिटी का इंटेंशन मैच्योरिटी तक होल्ड करने का भी नहीं है, मतलब एंटिटी खुद नहीं जानती कि यार हम करने क्या वाले हैं साले, हमें ही नहीं पता कि ये इंस्ट्रूमेंट को हम कब तक चलाने वाले हैं, ये पता है कि हम इमीडिएट तो हम बेचने नहीं वाले, और ये भी पता है कि हम मैच्योरिटी तक नहीं रखने वाले, मतलब जब हमें ही नहीं पता, व्हेन वी आर नॉट श्योर, तो हम उसको एफवीटीपीएल क्यों करें, क्योंकि भाई पता नहीं हमें उसको रिवैल्यू करना पड़े तो फिर वो प्रॉफिट सच्ची मुच्ची में रियलाइज कब होगा, इसीलिए हम उसको पेंडल में नहीं ले जाते।
तो FETOCI कैटेगरी जब खत्म हो जाती है, मतलब कोई एक इंस्ट्रूमेंट जब FETOCI वाला होता है खत्म हो जाता है, उसमें से खत्म हो जाता है मतलब सेल हो जाता है, तो उसका जो भी अक्यूमुलेटेड गेन और लॉस आज तक का था वो आप रिक्लासिफाई करके P&L में ले जाते हो। ये एक जनरल रूल है। अब इसका एक एक्सेप्शनल रूल भी है जो मैं अभी पढ़ाऊंगा थोड़ी देर बाद। FETP ला समझते हो कि P&L के थ्रू जाएगा, ठीक है ना, ट्रांजेक्शन कॉस्ट P&L में जाएगी। फाइनेंशियल लाइबिलिटी, यहाँ पर भी मैंने आपको बताया AMC कैटेगरी, FETPL कैटेगरी, FETL का वही ट्रीटमेंट। AMC कैटेगरी में यहाँ पर कंपाउंड है कि नॉन कंपाउंड है ये देखना पड़ेगा। नॉन कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट अगर है मतलब प्योर फाइनेंशियल लाइबिलिटी है तो बस सिर्फ आपको एक इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट की जरूरत है। अगर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपको नहीं आता निकालना, सॉरी अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ तो आपको निकालना पड़ेगा इंटरपोलेशन टेक्निक, वो लोअर रेट हायर रेट करके IRR जैसे आप निकालते हो, ठीक है ना। अच्छा, कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट में मैंने आपको क्या समझाया कि आप सबसे पहले कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज ले लो कि यार कितने कैश फ्लोज मेरे कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर के हैं, उन कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज का प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो ERI पे। जो प्रेजेंट वैल्यू आएगी दैट विल बी द फाइनेंशियल लायबिलिटी पोर्शन ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। टोटल इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू का वो जो पोर्शन होगा वो फाइनेंशियल लायबिलिटी होगा, वो माइनस कर देंगे, जो रिमेनिंग पोर्शन बचेगा, रेसिडुअल पोर्शन बचेगा वो इक्विटी मानेंगे। अच्छा, बचा एंड में इक्विटी विल बी ऑलवेज मेजर्ड एट रेसिड्यूल वैल्यू, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और इसके ऊपर अगर आपने कभी कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट बियर करोगे तो वो भी आप इक्विटी में ही डालोगे। अब इक्विटी में डालने का मतलब, इक्विटी मतलब क्या होता है समझते होंगे, इक्विटी मतलब सिर्फ इक्विटी कैपिटल नहीं होता, इक्विटी मीन्स इक्विटी कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, सिंपल भाषा में बोले तो, या SOCI स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के सारे आइटम्स। तो बेसिकली ट्रांजेक्शन कॉस्ट को आपको इक्विटी में ही चार्ज करना है। चलिए, मुझे लगता है अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा। मेरा एक रिविजन था, ये रिवीजन जानबूझ के करवाया क्योंकि कई सारे बच्चों ने शायद प्रीवियस सेशन नहीं देखा था, इसीलिए मेरा इंटेंशन था आपको रिवाइज करवाऊं। अब गले की पता है बैंड बज जाती है लिटरली, मतलब एक बार में इतना ज्यादा बोल दो लिटरली बैंड बज जाती है। ओके गाइस, चलो नाउ कम टू सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सेशन, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सेशन, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट मतलब मेजरमेंट एट बैलेंस शीट डेट कभी भी आ सकती है, 31st मार्च, 30th जून, 30th सितंबर, 31st दिसंबर, वॉट एवर। बैलेंस शीट डेट पर आपका इंस्ट्रूमेंट, जो आपका इंस्ट्रूमेंट है वो किस पे रिकॉग्नाइज होना चाहिए, समझिएगा। अच्छा, आपका इंस्ट्रूमेंट किस पे रिकॉग्नाइज होना चाहिए, ध्यान से देखिएगा। अगर आपका AMC कैटेगरी था, क्या था AMC कैटेगरी जिसपे आपने CCF को प्रेजेंट वैल्यू करके बुक कर दिया था। अब सोचो कि आपके पास एक इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपके पास और आपने उसको इनिशियली बुक कर लिया। अब हर साल क्या करोगे, एवरी ईयर आप उस फिगर के ऊपर हर साल इंटरेस्ट इनकम निकालोगे बेस्ड ऑन दैट इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब यू हैव टू अप्लाई द ERI का रेट ऑन द वैल्यू ऑफ असेट और लाइबिलिटी। यहां पर मैं AMC की बात कर रहा हूं तो फाइनेंशियल असेट की भी बात कर रहा हूं, फाइनेंशियल असेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी। आपको क्या करना पड़ेगा, फाइनेंशियल असेट या फाइनेंशियल लायबिलिटी की वैल्यू के ऊपर हर साल वो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही अप्लाई करोगे आपका रेगुलर इनकम आएगा और वो रेगुलर इनकम को आप कहां ले जाओगे, P&L में, कैलकुलेट एज पर ERI। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये करके दिखाओ, सिंपली है बेटा। आपका एक जैसे मान लो कोई भी डिबेंचर है, फाइनेंशियल असेट है तो डेबिट बैलेंस होगा। आपने उसको 1,90,000 में बुक किया, मान लीजिए जो भी उसका प्रेजेंट वैल्यू आया, ये क्या था, ये था उसका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ CCF। अब आप जब यहां पर जब इनकम बुक करोगे, ये तो आपने रिकॉग्नाइज कर लिया टू बैंक से वगैरह, जब आप टू फाइनेंस इनकम बुक करोगे, फाइनेंस इनकम इन केस ऑफ फाइनेंशियल असेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी में उल्टा हो जाएगा, फाइनेंस चार्जेस हो जाएगी, तो यहां पर आप 190 का आप 12% जो भी आपका रेट था वो आप अप्लाई करोगे और यहां पर आप लिख दोगे, ठीक है, अंडरस्टूड और नॉट। तो यहां पर आपका लिख दोगे, मेरा कैलकुलेटर आसपास है नहीं, ठीक है, यहां पर जो भी आ जाएगा, मान लो 10% है फॉर एग्जांपल, तो 19,000। फिर यहां पर बाय बैंक, अब सर ये बाय बैंक क्या, ये है आपका CCF,
कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो जो आपने बोला था कि मुझे फर्स्ट ईयर में इतना मिलेगा, सेकंड ईयर इतना मिलेगा, थर्ड ईयर इतना मिलेगा, तो फर्स्ट ईयर में आपको जो भी मिला ये माइनस करके बाय बैलेंस आ जाएगा कैरिड डाउन। नेक्स्ट ईयर जो आपका बैलेंस आएगा अगले साल टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, इसी पे आप 12% या 10% व्हाटएवर 10% आप फिर से चार्ज करोगे। तो कहने का मतलब आपका रेगुलर इनकम इस तरीके से निकलेगा, चाहे आपका फाइनेंशियल असेट हो चाहे फाइनेंशियल लाइबिलिटी हो। फाइनेंशियल लाइबिलिटी में रेगुलर इनकम को आप फाइनेंस चार्जेस बोलोगे, मतलब एक्सपेंस हो जाएगा वो। अच्छा सर बस यही करना है? नहीं 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 रुक जाओ, एएमसी कैटेगरी पे हो आपने इनकम तो बुक कर लिया और इनकम हमेशा कहां जाएगा? पीएनएल। एक चीज याद रखना हमेशा, चाहो तो लिख लो साइड में, एएमसी कैटेगरी का रिलेशनशिप कुछ भी कर लो, कोई भी रिलेशनशिप ओसीआई से है ही नहीं, कुछ भी कर लो, एएमसी कैटेगरी का इनकम भी पीएनएल में जाएगा और जब आप उसको बैलेंस शीट डेट पर सब्सिक्वेंटली रीवैल्यू करोगे उस असेट को या लायबिलिटी को, तो भी उसके ऊपर जो भी गेन और लॉस होगा वो भी पीएनएल में जाएगा, मतलब ओसीआई में कभी नहीं जाएगा। रीमेजरमेंट गेन लॉस। सर अब ये क्या है बेटा? दो प्रकार के इनकम होंगे एएमसी पर, एक तो इनकम रेगुलर इनकम, दूसरा रीमेजरमेंट गेन लॉस। अब बैलेंस शीट डेट पर हमें अपनी असेट को रीवैल्यू करना है। सर रीवैल्यू क्यों करना चाहते हो? उसके कारण है, पहला हो सकता है डिस्काउंटिंग रेट चेंज हो गया आने वाले सालों के लिए, दूसरा कारण हो सकता है मेरे कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोस रिवाइज कर लिए, हम दोनों के म्यूचुअल कंसेंट से कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोस रिवाइज हो गए, तीसरा हो सकता है जितना टर्म था पांच साल का मान लो वो एक्सटेंड हो गया, वो या वो फिर रिड्यूस हो गया। सो देयर मे बी डिफरेंट रीजंस, चेंज इन डिस्काउंट रेट, यू कैन राइट इट डाउन ऑल्सो, चेंज इन डिस्काउंट रेट, चेंज इन पीरियड, चेंज इन कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज। बिकॉज ऑफ दिस योर असेट विल बी रीमेजर्ड बेस्ड ऑन द रिवाइज डिस्काउंटिंग रेट, रिवाइज पीरियड, रिवाइज कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज। अंडरस्टूड और नॉट? एंड जो भी गेन लॉस आएगा वो भी कहां ले जाएंगे? पीएनएल में। सिंपली एएमसी कभी भी ओसीआई से रिलेट नहीं करेगी। रीमेजरमेंट गेन लॉस ड्यू टू मॉडिफिकेशन ऑफ CCF ERI टर्म लिखा हुआ है, ठीक है ना, लिखने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं FPT OCI। अब FPT OCI कैटेगरी को समझने से पहले ध्यान से सुनिएगा बच्चों, जो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स जो आपके फाइनेंशियल असेट होते हैं, मैं फाइनेंशियल असेट की बात कर रहा हूं, जो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट आपकी फाइनेंशियल असेट होते हैं वो बाय डिफॉल्ट FPT OCI होते हैं, याद रखना। पर इसमें एक एक्सेप्शन है, अगर ये हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है, अगर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है, मतलब आपने रिलायंस कंपनी के शेयर खरीदे, आदित्य बिरला के शेयर खरीदे, आपने बर्जर पेंट्स के शेयर खरीद लिए, आपने आपने मान लीजिए जियो के शेयर्स खरीद लिए, आपने इन्फोसिस के शेयर खरीद लिए और आपका इंटेंशन है कि आप तो उसको बेचने वाले हो इन नियर फ्यूचर, तो वो हो गए आपके HFT। अगर वो हेल्ड फॉर ट्रेडिंग कैटेगरी है तो आपको उसको ऑलवेज FVT PL में ही डालना है। किसको? इक्विटी इंस्ट्रूमेंट को। पर अगर वो non-HFT है, non-HFT, मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूं अपना, तो मैं सच्ची सच्ची बताऊं, मैंने आज तक जिंदगी में शेयर मार्केट में ट्रेडिंग नहीं की। अब कुछ बच्चों को हो सकता है थोड़ा अजीब लग रहा होगा और कुछ बच्चों को लग रहा होगा, ठीक है कोई बात नहीं, मैंने आज तक शेयर मार्केट में 1 रुपए की भी ट्रेडिंग नहीं की, इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। पहली बात, म्यूचुअल फंड्स में करता रहता हूं पर डायरेक्ट जो मार्केट है, प्राइमरी मार्केट है, उसमें मैं कभी भी ट्रेडिंग नहीं की हूं। बट नाउडेज आई एम थिंकिंग कि मैं अपना एक डीमेट अकाउंट ओपन करवाऊं, अभी मैं मेरा वो भी ओपन नहीं हुआ। मेरा इंटेंशन अब क्या कहता है कि यार मैं कुछ मैंने कंपनीज पे रिसर्च किया है, वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, बट वो एक्चुअली मैंने कंपनी में कुछ रिसर्च किया हुआ है, 3 से 4 कंपनीज है। मेरा ये मानना है कि वो जो 3 या 4 कंपनीज है, अगर मैंने उन 3-4 कंपनीज में पैसे लगा लिए, जितना भी मैं लगाना चाह रहा हूँ व्हाटएवर, हालांकि बहुत ही कम लगाना चाहता हूँ क्योंकि मेरी थोड़ी सी मैं शेयर मार्केट में मेरा भरोसा ज़्यादा है नहीं, तो मैंने वो 3 से 4 कंपनी जो सिलेक्ट करके रखी हैं, मेरा ये मानना है कि मैं उसमें पैसा लगाऊंगा और मैं भूल जाऊंगा, मैं आने वाले कम से कम 3 से 4 साल तक तो भाई मैं उस पर ट्रेडिंग नहीं करूंगा, एटलीस्ट 3 साल तक तो ट्रेडिंग नहीं करूंगा, मैं भूल जाऊंगा, उसके बाद देखेंगे क्या होगा। दैट मीन्स मेरा इंटेंशन ट्रेडिंग करने का नहीं है, वो non-HFT है, मैं उसको ट्रेडिंग तो नहीं करूंगा, ठीक है, मैं उसको भूल जाऊंगा, आगे देखेंगे क्या होगा, non-HFT है। तो यहां पर
आपके पास एक ऑप्शन है, या तो आप सेम FVTPL करो, ये ऑप्शन वन है आपके पास, आप उसको FVTPL में ही करो। बट अगर आप बोल रहे हो कि नहीं यार मैं इसको FVTPL में नहीं रखना चाह रहा हूं क्योंकि वैसे भी ये HFT तो है नहीं, मैं तो इसकी ट्रेडिंग करूंगा नहीं, हर साल जब मैं इसको फेयर वैल्यू करूंगा तो इसका गेन लॉस में बेवजह क्यों P&L में ले जाऊं, नहीं जा रहा मैं P&L में ले जाना, क्यों? क्योंकि यार 3-4 साल तक तो मेरा इंटेंशन ही नहीं बेचने का, तो बेवजह मैं अनरियलाइज प्रॉफिट लॉस क्यों दिखाऊं अपने P&L में, क्यों बेवजह करूं? ठीक है, तू एक काम कर, तू ऐसे केस में ऑप्शन नंबर टू, तू ऐसे केस में अगर वो नॉन HFT है तो तू उसको FVTOCI में डेजिग्नेट कर दे, मतलब तू उसको FVTOCI कैटेगरी में डाल दे। आज के बाद वो तेरे इक्विटी इंस्ट्रूमेंट FVTOCI कैटेगरी में रहेंगे, मतलब अब तू हमेशा फेयर वैल्यू करेगा तो उसका जो भी गेन लॉस निकलेगा वो कहां जाएगा? OCI में। ये आपको ऑप्शन दिया जाता है इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में। अब ऑप्शन तो मिल गया, पर एक दिक्कत है इसमें, अगर तूने एक बार ये ऑप्शन अप्लाई कर दिया तो तू पीछे नहीं मुड़ सकता, तेरे को हमेशा अप्लाई करना पड़ेगा। प्लस अब जो भी तेरा गेन लॉस OCI में जा रहा है वो हमेशा OCI में रखा रहेगा। मतलब सर, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ऊपर बताया था कि OCI FVTOCI कैटेगरी भी एक तरीके से टेम्पररी कैटेगरी होती है, जब वो इंस्ट्रूमेंट बेचा जाता है, जब खत्म हो जाता है तो OCI में रखा हुआ आज तक का जो भी एक्युमुलेटेड गेन और लॉस है वो रिक्लासिफाई करके P&L में जाता है। पर एक्सेप्शन है आपका इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। अगर आपने इक्विटी इंस्ट्रूमेंट को जो कि नॉन HFT था, HFT तो डाल ही नहीं सकते, नॉन HFT था, उसको OCI में ले गए तो उसका गेन लॉस आप OCI में ले जाओगे और OCI में ही हमेशा पड़ा रहेगा, उसको कभी भी रिक्लासिफाई करके P&L में नहीं ले जा सकते। इसका मतलब FVTOCI कैटेगरी में दो प्रकार की असेट्स हो सकती है, एक इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स नॉन HFT जिसका गेन लॉस हमेशा उसी में पड़ा रहेगा, और एक अदर इंस्ट्रूमेंट्स लाइक गोल्ड बॉन्ड्स एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स जिनका गेन लॉस एक बार कहीं कभी ना कभी रिक्लासिफाई होकर P&L में तो जाएगा। ठीक है, अब मैंने आपको जो ये बताया इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। हाँ, अब आते हैं इस पे, रेगुलर इनकम P&L। P&L बच्चे कुछ सोचते हैं कि सर FVTOCI कैटेगरी हो गई तो अब सब कुछ OCI में जाएगा। बेटा जो आपको रेगुलर इनकम मिल रही है हर साल, जो आपको फिक्स इनकम मिल रही है, कुछ डिविडेंड मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, वो तो तुम्हारा बेचारा P&L का पार्ट है ना, वो तो P&L डिजर्व करता है क्योंकि तो रियलाइज हो गया। आई बात समझ में कि नहीं? जो अनरियलाइज नेचर की इनकम है वो आपकी जो गेन लॉस है उसका क्या करोगे? अगर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है नॉन HFT वाले डेजिग्नेटेड FVTOCI वो हमेशा OCI में जाएंगे एंड नो रिक्लासिफिकेशन टू P&L इज अलाउड। और अगर अदर असेट्स है, गेन लॉस ऑन अदर असेट्स है, ऑन अदर असेट्स OCI में जाएगा, रिसाइकल टू P&L ऑन डिस्पोजल और डी रिकॉग्निशन करने पर, डिस्पोज करने पर वो तुम P&L में ले जाओगे। मुझे लगता है आपको ये पॉइंट अब समझ में आ गया होगा। ये पॉइंट सिर्फ फाइनेंशियल असेट के लिए था क्योंकि आपको पता है कि फाइनेंशियल लायबिलिटी के दो क्लासिफिकेशन होते हैं, FVTPL और AMC। अब ये हो गया FVTPL, ये भी पॉइंट आपका फाइनेंशियल असेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी दोनों के लिए है। रेगुलर इनकम या रेगुलर एक्सपेंस आपका P&L में जाएगा, रीमेजरमेंट गेन लॉस इन P&L ऑलवेज, वो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बस आपको बस यही समझना है कि ये सब्सिक्वेंट मेजरमेंट कितना इंपॉर्टेंट है, कितना जरूरी है, सारे के सारे फिगर्स आपके बहुत जरूरी हैं। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अलोकेशन, पिछले पॉइंट, पिछले क्लास में मैंने सबसे लास्ट क्लास में बताया भी था अलोकेशन ऑफ, ठीक है भाई, अलोकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन कॉस्ट अंडर कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट, मुझसे किसी ने पूछा भी था और मैंने बताया भी था कि सर अगर एक कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, यहां पर बेसिकली फाइनेंशियल लायबिलिटी का कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट है, अगर उस केस में जहां पर इक्विटी पोर्शन होता है और फाइनेंशियल लायबिलिटी पोर्शन होता है, अगर उस केस में आपने ट्रांजेक्शन कॉस्ट बियर किया है तो क्या करोगे? आपको क्या करना है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट को अलोकेट करना है इन द रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी एंड इक्विटी। सर ये दोनों वैल्यूज कहां से मिलेंगी? अरे नालायक, पिछली क्लास में पढ़ा था हमने, कहां से मिलेंगी वो वैल्यू? ये रही फाइनेंशियल लायबिलिटी और इक्विटी की वैल्यू, तो उस दोनों की वैल्यू में उस ट्रांजेक्शन कॉस्ट को तुम अपोर्शन कर लोगे। देन रीकैलकुलेट द IRR फॉर फाइनेंशियल लायबिलिटी
आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ अलोकेटेड ट्रांजेक्शन कॉस्ट, आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ अलोकेटेड ट्रांजेक्शन कॉस्ट। मतलब सर नहीं समझ में आया, अच्छी बात है नहीं समझ में आया, मैं फिर से समझा देता हूँ। यहाँ तक तो समझ में आ गया कि आप ट्रांजेक्शन कॉस्ट को अलोकेट करोगे फाइनेंशियल लाइबिलिटी में और इक्विटी में, जो भी फाइनेंशियल लाइबिलिटी वाला पोर्शन होगा वो तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी में एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। जो फाइनेंशियल लाइबिलिटी वाला पोर्शन होगा वो फाइनेंशियल लाइबिलिटी में एडजस्ट हो जाएगा, जो इक्विटी वाला पोर्शन होगा वो इक्विटी में जाके चला जाएगा। जो फाइनेंशियल लाइबिलिटी वाला पोर्शन होगा वो फाइनेंशियल लाइबिलिटी में अगर एडजस्ट कर लोगे तो वो CCF बदल जाएंगे, CCF बदल जाएंगे तो यू हैव टू रिकैलकुलेट द IRR। जिस डिस्काउंटिंग रेट पर तुमने एक्चुअली फाइनेंशियल लाइबिलिटी की वैल्यू निकाली थी बेस्ड ऑन CCF, वो तुमने विदाउट ट्रांजेक्शन कॉस्ट कंसिडर करके निकाली थी, क्योंकि ट्रांजेक्शन कॉस्ट को हमने तब तक अलोकेट नहीं किया था। अलोकेट तो तब करोगे जब दोनों की वैल्यूज मालूम पड़ जाए। अब दोनों की वैल्यूज मालूम पड़ गई, जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट फाइनेंशियल लाइबिलिटी वाला पोर्शन है उसको जब तुमने उसमें एडजस्ट किया CCF में, तुम्हारे CCF बदल गए। साला CCF बदल गए तो अब क्या करोगे, जब CCF बदल गए तो यू हैव टू चेंज द डिस्काउंटिंग रेट ऑल्सो, तो यू हैव टू रिकैलकुलेट द IRR आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ अलोकेटेड ट्रांजेक्शन कॉस्ट। सर IRR रिकैलकुलेट कैसे करते हैं, बच्चों की बातें कर रहे हो यार, IPCC में सिखाया गया तुम्हें IRR कैसे कैलकुलेट करते हैं, रिकैलकुलेट। सीधी बात है, CCF तुम्हारे पास दिया हुआ है, तुम्हारे पास आज की फाइनेंशियल लाइबिलिटी की वैल्यू है एडजस्ट करने के बाद की, तुम्हें बस वो एक IRR कैलकुलेट कैसे करते थे, IPCC में FA में सिखाया जाता था, जहां पर वो आ जाए NPV जीरो आ जाए, जहां पर बस वही कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ूं कि मैं लाइव चैट इनेबल करूं, लाइव चैट इनेबल कर देता हूं वो ज्यादा सही रहेगा। ओके लाइव चैट इज इनेबल, फाइल एक्सेल वन पब्लिक, सर इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडी एसोसिएट JV विल गो इन टू FBT OCI, दैट डिपेंड्स। अगर वो आपका परमानेंट है तो FBT OCI में डाल सकते हो, पर अगर वो आपका हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है यू कैन ट्रांसफर इट टू FBT PL। सर अलोकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन कॉस्ट पर एक छोटा सा एग्जाम्पल बता दो, IRR तो आता है। प्रणय कुमार अभी मैं अपडेट नहीं दे सकता आपको बिजनेस कॉम्बिनेशन का, बेटा मैं क्वेश्चन करवाने का टाइम तो नहीं है, फिर वो रिवीजन नहीं रह जाएगा, सॉरी टू से वो क्वेश्चन करवाने का टाइम नहीं है कि एक क्वेश्चन करवा दूं या एक एग्जाम्पल करवा दूं। सिंपली है, मान लीजिए एक आपने डिबेंचर इशू किया था 10 लाख रुपए का, इसमें से आपने फाइनेंशियल लाइबिलिटी में अलोकेट कर दिया फॉर एग्जाम्पल 8 लाख, और इक्विटी में अलोकेट कर दिया 2 लाख रुपए फॉर एग्जाम्पल। अब आपका ट्रांजेक्शन कॉस्ट है से 30,000 रुपीज़ का, इस 30,000 की ट्रांजेक्शन कॉस्ट को 8:2 में डिवाइड कर दो, तो इसमें ट्रांजेक्शन कॉस्ट कितना आ जाएगा, इसमें ट्रांजेक्शन कॉस्ट कितना आ जाएगा, कैलकुलेटर लेना ही पड़ेगा मुझे। $30,000 / 10 × 8 = $24,000, यहाँ पर 24,000 आ गया, यहाँ पर 6,000 का ट्रांजेक्शन कॉस्ट आ गया, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद क्या करेंगे, अब क्योंकि ये आपका लाइबिलिटी है ये आउटफ्लो हुआ होगा, और ये आपका ये इनफ्लो हुआ होगा, लाइबिलिटी तो आपने लिया है ना, बोरिंग किया है ना एक तरीके से, तो आपका इनफ्लो हुआ होगा और ट्रांजेक्शन कॉस्ट आपका आउटफ्लो हुआ होगा, तो आप इसमें एडजस्ट करोगे तो आपकी नेट फाइनेंशियल लाइबिलिटी कितनी आ जाएगी, 7,76,000। बेस्ड ऑन दिस 7,76,000 दिस इज एक्चुअली योर प्रेजेंट वैल्यू। अब जो भी आपके CCF हैं 1, 2, 3, 4, 5 ईयर के, इनके ऊपर आपको IRR ऐसा निकालना है ताकि प्रेजेंट वैल्यू 776 के बराबर आ जाए, सिंपली।
आपको ये करना है, और ये कहाँ जाएगा, इक्विटी में चला जाएगा। मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। सर आपसे रिक्वेस्ट है, पार्ट वन खाली, हट छोड़ो यार ये रिक्वेस्ट, ये मतलब पूछ के रहो, मेरा गुस्सा आ रहा है, मेरे फालतू मेरा। सर न्यू टॉपिक जो ऐड हुए हैं उसका भी मई 19 का क्वेश्चन है, एलोकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन कॉस्ट, बस उसमें आईआरआर नहीं निकाला है। बेटा आईआरआर निकाला है, आई डोंट नो मई 19 का कौन से क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, इंस्टीट्यूट का आईसीआई मॉड्यूल में एक क्वेश्चन है, वो देख लेना आपको समझ में आ जाएगा। टोटल अप्रॉक्स कितने बजे तक चलेगा लेक्चर, आई डोंट नो। इफ असेट इज फॉर रेगुलर एज वेल एज फॉर प्रॉफिट, इफ असेट इज फॉर रेगुलर देन वी कैन अकाउंट फॉर सच असेट फ्रॉम बोथ। वैभव आई डिडंट अंडरस्टूड योर डाउट, प्लीज आप पहले तो स्पेलिंग करेक्ट करके लिखो। सर एडिशनल लाइबिलिटी अग्रीड टू बी पेड ऑन सेटलमेंट डेट इन केस ऑफ कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग क्लासीफाइड इन टू विच फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। एडिशनल लाइबिलिटी अग्रीड टू बी पेड ऑन सेटलमेंट डेट इन केस ऑफ कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग क्लासीफाइड इन टू विच फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, आई थिंक एएमसी। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की कितनी क्लासेस होंगी, आई डोंट नो। द ऑप्शन टू, साला पढ़ने से ज्यादा तुम लोगों को ना टेंशन दुनिया भर की है। द ऑप्शन टू डेजिग्नेट इक्विटी इंस्ट्रूमेंट एज एफईटी ओसीआई इज एप्लीकेबल टू होल ब्लॉक ऑफ इक्विटी स्क्रिप्ट और द रिस्पेक्टिव स्क्रिप्ट, रिस्पेक्टिव स्क्रिप्ट। डाउट इज, योर डाउट इज लॉजिकल कि सपोज मेरे पास अलग अलग स्क्रिप्ट है तो क्या करना चाहिए, आई थिंक इट इज बेस्ड ऑन स्क्रिप्ट टू स्क्रिप्ट। वैभव आई डिडंट अंडरस्टूड योर डाउट, प्लीज मेक करेक्शंस इन योर स्पेलिंग्स एंड आस्क अगेन। मुझे ये समझ में नहीं आता लॉयल स्टूडेंट का मतलब क्या होता है, जो स्टूडेंट आप लॉयल हो दूसरे के लॉयल नहीं है क्या, व्हाट डू यू मीन बाय लॉयल स्टूडेंट। मैंने तो ये कभी डेफिनेशन नहीं पढ़ी है, आई थिंक गूगल भी मुझे डेफिनेशन ही नहीं दे पाएगा लॉयल स्टूडेंट। व्हाट इज दिस लॉयल स्टूडेंट, कोई डाउट वाउट है नहीं, फालतू के बस चीजें बोल रहे हो। आगे बढ़ते हैं, कोई डाउट नहीं है, कुछ भी नहीं है बच्चे, कुछ भी डाउट नहीं है, बस कुछ लिखना है लिख देते हैं, सर की तारीफ कर लेते हैं, सर को बस मक्खन मार देते हैं, हो सकता है सर पिघल जाए। चलो आगे बढ़ते हैं, दिस इज नॉट सो वेरी इंपॉर्टेंट बट यस एक बार एग्जाम में आ चुका है और आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में भी है। लोन गिवन बाय पेरेंट कंपनी टू सब्सिडरी एट कंसेशनल रेट, अगर पेरेंट कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को लोन दिया है तो ये भी तो एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, पेरेंट कंपनी के लिए फाइनेंशियल असेट, सब्सिडरी कंपनी के लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी। बट अगर कंसेशनल रेट पर दिया है तो दिक्कत है यार, अगर कंसेशनल रेट दिया है तो दैट मींस दिस रेट कैन नॉट बी ईआरआई, दिस कैन नॉट बी ट्रू रेट, दिस कैन नॉट बी इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट मींस ईआरआई मस्ट बी डिफरेंट, दैट मींस नाउ जो भी इस लोन पर सीसीएफ होगा उस CCF का तुम ERI के हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे। मान लीजिए मैंने आपको 10 लाख का लोन दिया, आप मेरे सब्सिडरी हो, मैंने आपको बोला कि मुझे हर साल इंटरेस्ट पे करना 6% पर एनम के अकॉर्डिंग, पर एनम 6% पर एनम, दैट मींस 0.5% मंथली, जबकि मार्केट का रेट इज 12% पर एनम, दैट मींस ERI इज 12%। नाउ व्हाट इज माय CCF, कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज, कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज आर 10 लाख का 6% हर साल, That means 60,000 every year I will get 60 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
10 लाख का प्रेजेंट वैल्यू मैं किस पे निकालूंगा, 12% ईआरआई पर। तो जो प्रेजेंट वैल्यू आएगा वो डेफिनेटली 10 लाख से कम पे आएगा। प्रेजेंट वैल्यू आया मान लो से 6 लाख, 10 लाख का लोन दिया है साला मैंने और प्रेजेंट वैल्यू आई है 6 लाख रुपए, तो इसका मतलब मुझे लोन कितने पे दिखाना पड़ेगा, फाइनेंशियल एसेट कितने पे दिखानी पड़ेगी, 6 लाख पे, और सामने वाला फाइनेंशियल लायबिलिटी कितने पे दिखाएगा, 6 लाख पे। पर जो 4 लाख रुपए एक्स्ट्रा मैंने दिए और 4 लाख रुपए जो एक्स्ट्रा उसने लिए उसका क्या होगा,
आइए, फॉर पेरेंट्स बुक्स रिकॉग्नाइज द फाइनेंशियल असेट इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सीसीएफ एट ईआरआई, रिमेनिंग बैलेंस विल बी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी अंडर एसएफएस। जो रिमेनिंग बैलेंस होगा जब पेरेंट एंट्री करेगा, तो पेरेंट एंट्री करेगा लोन डेबिट 6 लाख, टू बैंक 10 लाख, जो 4 लाख मैंने एक्स्ट्रा दे दिए वो कहीं ना कहीं मैं इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी में डाल दूंगा, क्योंकि वो मेरी वैसे भी सब्सिडरी है। मैं बोल दूंगा कि मैंने जो 4 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिए वो मैंने उस कंपनी में पैसे एक्स्ट्रा लगा दिए, 4 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया। मतलब मैं मान लूंगा वो 4 लाख मैंने सब्सिडी कंपनी के नेट असेट्स में लगा दिए, उसको लोन नहीं दिया, उसके नेट असेट्स में लगा दिए। मैंने उसको लोन दिया 10 लाख का, पर मैं बुक किस पे कर रहा हूँ, 6 लाख पे, फाइनेंशियल असेट में 6 लाख के कवर कर रहा हूँ, बाकी मैं 4 लाख को इन्वेस्टमेंट बुक कर रहा हूँ। सर ये इन्वेस्टमेंट कहाँ से आया? अरे इन्वेस्टमेंट तो मेरी बुक्स में ऑलरेडी दिख रहा होगा ना, मेरी वो सब्सिडरी है, ठीक है। फॉर सब्सिडरी बुक्स रिकॉग्नाइज द फाइनेंशियल लायबिलिटी इक्वल टू सीसीएफ ईआरआई, सिंपली 6 लाख रुपए, टोटल प्रोसीड्स माइनस एफएल इज इक्वल टू अदर इक्विटी। सब्सिडरी क्या एंट्री पास करेगी? सब्सिडरी एंट्री पास करेगी बैंक 10 लाख, टू लोन 6 लाख, दिस इज योर फाइनेंशियल लायबिलिटी, एंड टू जो उसको 4 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिल गए टू वो इक्विटी में डाल देगी। इक्विटी कैपिटल नहीं, इक्विटी सोकी, सोकी में डाल देगी 4 लाख। अब ध्यान से सुनिएगा, ये तो अपने अपने सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हुआ। जब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे, आई डोंट नो आपने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, मुझसे पढ़ा है कि कहीं और से पढ़ा है, आपको इतना तो पता होगा कि जब हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं या गेन फ्रॉम बार्गेन परचेज की, तो हम इन्वेस्टमेंट्स को नेट असेट से कंपेयर करते हैं, एंड नेट असेट्स मतलब होता है इक्विटी। सो बेसिकली जब आप इन्वेस्टमेंट को नेट असेट से कंपेयर करते हो, तो कहीं ना कहीं पेरेंट के इन्वेस्टमेंट 4 लाख से बढ़ गए और सब्सिडरी की इक्विटी भी 4 लाख से बढ़ गई, नेट असेट 4 लाख से बढ़ गई। सो टेक्निकली हुआ कुछ नहीं, यहां पर सीएफएस बनाते वक्त ये जो 4 लाख है और ये जो 4 लाख है आपस में कट ऑफ हो जाएंगे अपने आप। वाइल प्रिपेयरिंग सीएफएस ए एंड बी, ए कौन सा, दिस ए एंड दिस बी above shall be offset in calculation of cost of control, goodwill gain from bargain purchase. And sir, what about this 6 lakh? ये तो वैसे भी contra हो जाएगा, contra adjustment वो भी कट जाएगा, इसका मतलब CFS में इसका nullified effect हो जाएगा ultimately, 6 लाख का भी 4 लाख का भी। मुझे लगता है आपको ये point समझ में आया होगा, ये exam में आ चुका एक बार। Next, buyback option, putable instruments. हमने बात की थी पिछले session में कि putable instruments का मतलब होता है कि होल्डर के पास एक राइट है कि वो कंपनी को वापस इक्विटी शेयर बेच सकता है, और कंपनी के पास ऑब्लिगेशन है कि वो उसको पे करेगी। ऐसे केस में पुटेबल इंस्ट्रूमेंट फाइनेंशियल लायबिलिटी होते हैं, पढ़ा था। पर मैंने आपको ये भी पढ़ाया था कि इन एक्सेप्शनल केसेस पुटेबल इंस्ट्रूमेंट इक्विटी होंगे, ठीक है। तो आइए अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि पुटेबल इंस्ट्रूमेंट आया अगर या बायबैक अगर आया तो क्या होगा। बेटा पुटेबल इंस्ट्रूमेंट मतलब बायबैक ऑप्शन, आपने बायबैक का ऑप्शन दे दिया तो क्या होगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि मैंने इनिशियली जब इक्विटी शेयर आपको इशू किए थे तो वो नॉन पुटेबल थे, मैंने आपको कोई पुटेबल इंस्ट्रूमेंट ऑप्शन नहीं दिया, कोई पुट ऑप्शन नहीं दिया, कोई बायबैक ऑप्शन नहीं दिया, वो इक्विटी था, मैंने उसको इनिशियली इक्विटी में बुक कर दिया। 2 साल बाद मैंने होल्डर्स को 3 महीने के लिए ऑप्शन दे दिया कि अगर चाहो तो मुझे ये शेयर वापस कर दो, मैं आपको मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग पैसा रिडीम कर दूंगा, ठीक है ना। मतलब मैंने पुट ऑप्शन दे दिया। सी नाउ द पॉइंट इज, एज सून एज आई हैव पुट दिस फीचर इन दिस इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट मे बिकम द फाइनेंशियल लायबिलिटी फ्रॉम माय साइड। व्हाई? बिकॉज होल्डर के पास अधिकार आ गया मुझे बेचने का, तो मुझे ऑब्लिगेशन आ गई सेटल करने की कैश में। सो दिस इक्विटी विल बी कन्वर्टेड इंटू फाइनेंशियल लायबिलिटी। If equity instruments become putable, then reclassify the equity to financial liability. This is a very important point at present value. Now, अभी तक वो इक्विटी था, इसका मतलब आपने उसको मेजर किया होगा residual interest पर, अब आपका वो financial liability बन गया, तो अब आप उसको मेजर करोगे present value पर। क्यों? क्योंकि अब वो इक्विटी का liability बन गया, तो अब आपको पता है कि आपको कितना पेमेंट करना है। आपने बोल दिया कि मैं आपको इतना पेमेंट करने के लिए तैयार हूं, तो उसके प्रेजेंट वैल्यू यहां पर अगर मान लो विद इन 12 मंथ्स है, तो आप जितना आपका ऑब्लिगेशन है, जितना आपने कमिटमेंट किया है, उतनी वैल्यू पर आप लायबिलिटी बुक कर लोगे। अगर मान लो इक्विटी से लायबिलिटी बुक करने में अगर आपको कोई डिफरेंस आता है, जैसे अर्लियर आपका इक्विटी 10 लाख का दिख रहा था, आपने लायबिलिटी बुक कर लिया 11 लाख में, एक्स्ट्रा 1 लाख से बढ़ा दिया, तो 1 लाख विल बी ट्रांसफर टू इक्विटी, पीएनएल में नहीं जाएगा, वो इक्विटी में अदर
इक्विटी में चला जाएगा। सर आगे क्या होगा? चलो ठीक है, अब वो इक्विटी फाइनेंशियल लायबिलिटी में कन्वर्ट हो गई। अब क्या करेंगे सर? अब वो जो फाइनेंशियल लायबिलिटी है, अब आपको चेक करना है सामने वाला होल्डर ऑप्शन को अवेल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इफ ऑप्शन इज अवेल्ड, सेटल द फाइनेंशियल लायबिलिटी थ्रू कैश, सिंपली फाइनेंशियल लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैश। इफ ऑफर एक्सपायर, सामने वाला का ऑफर एक्सपायर हो गया, उसने अवेल नहीं किया, ऐसा होगा नहीं बट मान लो एक्सपायर हो गया, जब ऑफर ही एक्सपायर हो गया तो अब वो फाइनेंशियल लायबिलिटी मेरी है ही नहीं, मैंने तो लिमिटेड टाइम के लिए आपको ऑफर दिया था। अगेन वो फाइनेंशियल लायबिलिटी रीकन्वर्टेड होके इक्विटी बन जाएगी सेम कैरिंग अमाउंट पर। रीक्लासिफाई फाइनेंशियल लायबिलिटी टू इक्विटी एट सेम कैरिंग अमाउंट। मुझे लगता है आपको एक पॉइंट समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आपने इक्विटी को फाइनेंशियल लायबिलिटी में कन्वर्ट किया क्योंकि वो पुटेबल हो गया। फाइनेंशियल लायबिलिटी में कन्वर्ट किया तो आपने उसको रीमेजर किया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सीसीएफ पर। हो सकता सीसीएफ में, इसलिए प्रेजेंट वैल्यू इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हो सकता है 12 महीने बाद देने का वादा किया है। अगर विद इन 12 मंथ देने का वादा किया है तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसको मान लो अभी के अभी जो भी वैल्यू चल रही है। फिर वो फाइनेंशियल लायबिलिटी हो गई, फाइनेंशियल लायबिलिटी सेटल हो गई, फाइनेंशियल लायबिलिटी सेटल नहीं हो गई, एक्सपायर हो गई, वापस से इक्विटी में कन्वर्ट करने के लिए सेम कैरिंग अमाउंट पर जाएगा। ऊपर जो भी डिफरेंस आया था वो आपका इक्विटी में चला जाएगा। 8th नंबर पॉइंट छोड़ो, अब आपको जो भी डिफरेंस जो भी डाउट हो वो पूछ सकते हो। सर इज इट पॉसिबल इक्विटी इंस्ट्रूमेंट वर फर्स्ट क्लासिफाइड एज एचएफटी एंड देन कन्वर्टेड टू नॉन एचएफटी एंड इफ यस देन व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट फॉर द सेम? यस इट इज पॉसिबल कि पहले आपने उसको एचएफटी रखा, एफईटी पीएल किया, जब तक आप उसको एफईटी पीएल कर रहे हो गेन लॉस आपने पीएनएल में डाल दिया, बाद में आपने बैलेंस शीट में बोला यार मेरा ये नॉन एचएफटी है मैं इसको नहीं बेचूंगा, ठीक है कोई बात नहीं, आज तक जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस पीएनएल में गया था वो रखा रहे, कोई दिक्कत नहीं है। अब से लेकर क्यूमुलेटिवली आप उसको प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दोगे, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हो गया मतलब आज तक जो कर लिया उसको छोड़ दो, अब से लेकर वो एफईटी ओसीए में डील होगा और फर्दर जो गेन लॉस होगा वो ओसीए में जाएगा। सिंपली पुट ऑप्शन गिवन बाय पेरेंट कंपनी टू इन्वेस्टर ऑफ इट सब्सिडरी कंपनी देन व्हाट इज द ट्रीटमेंट? सी अगेन सेम पुट ऑप्शन आपने अपने होल्डर्स को दिया हो, चाहे आपने सब्सिडरी के होल्डर्स को दिया हो, दैट उसमें कोई ट्रीटमेंट चेंज नहीं होगा, ट्रीटमेंट वैसा ही होगा, बस बुक्स चेंज हो जाएंगी। आई बात समझ में कि नहीं? कंसोलिडेटेड बुक्स में ये फिर ट्रीटमेंट किया जाएगा। सिंपली सर सब्सिडरी भी तो पेरेंट को लोन दे सकती है ना, उसका ट्रीटमेंट सेम? सब्सिडरी ने अगर पेरेंट को लोन दिया तो सब्सिडरी अपने लोन को दिखा देगी उतने से और सब्सिडरी बाकी का एडजस्टमेंट करेगी इक्विटी में, सेम ट्रीटमेंट सेम, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। श्वेतांग लेट से 10 लाख इक्विटी शेयर है, पीए प्रेजेंट वैल्यू पे लाया 7 लाख एंड इफ ऑप्शन एक्सपायर्स देन कैरिंग अमाउंट मीन 7 लाख और 10 लाख कितने पर होगा? श्वेतांग 10 लाख का था, आपने उसको प्रेजेंट वैल्यू पे 7 लाख पे लाए तो आप उसको 7 लाख पे दिखा रहे हो, ऑप्शन एक्सपायर हो गया, अब 7 लाख का 7 लाख पे ही वो इक्विटी वापस से दिखेगा। जब फाइनेंशियल लायबिलिटी को कैश में सेटल कर देंगे तो क्या इक्विटी का बैलेंस जनरल रिजर्व में ही भेजना होता है? यस, डिफरेंस बिटवीन सीएफ चेंज ड्यू टू टाइमिंग एंड ड्यू टू रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सीएफ। व्हाट इज सीएफ? कैश फ्लो। डिफरेंस बिटवीन कैश फ्लो चेंज ड्यू टू टाइमिंग एंड ड्यू टू रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सीएफ पीएनएल। बायबैक ऑप्शन का एक एग्जांपल दे दीजिए प्लीज। मैंने एग्जांपल दे दिया कि किस किस तरीके से होगा। 10 लाख करके मैंने आपको एग्जांपल दे दिया था। सर व्हाट अबाउट द नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन केस ऑफ पुट ऑप्शन?
इन केस ऑफ पुट ऑप्शन नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट विल बी एडजस्टेड प्रोपोर्शनेटली। सर अगर F2F टेस्ट पास हुआ तो ही पुटेबल इंस्ट्रूमेंट इक्विटी बनाएंगे, तभी हम उसका ट्रीटमेंट 7 पॉइंट के अकॉर्डिंग करेंगे। नहीं, अगर वो F2F टेस्ट पास हुआ तो वो पुटेबल इंस्ट्रूमेंट शुरू से इक्विटी होगा, दैट्स इट, फिर कुछ होगा ही नहीं। हम तो बात कर रहे हैं कि वो अर्लियर इक्विटी था, बाद में फाइनेंशियल लायबिलिटी हो गया क्योंकि आपने पुटेबल कर दिया उसको। पहले वो नॉन पुटेबल था, वो पुटेबल हो गया, नॉन पुटेबल से पुटेबल। व्हाट अबाउट द नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, इनके मैंने आपको जवाब दे दिया। ओके, एनीबडी हैव? नहीं, आगे बढ़े। सर जस्ट टू कंफर्म, डिफरेंस बिटवीन कंसेशन रेट एंड मार्केट रेट वुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी? यस, आप ये बोल सकते हो, यस यू कैन से लाइक दिस। पुटेबल प्रीमियम का लिया थोड़ा बता दीजिए रवि केडिया, में समझा नहीं। पुटेबल पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जब आपने प्रीमियम दिया, प्रीमियम रिसीव किया अगर आपने, तो वो प्रीमियम आपने अगर रिसीव किया होगा, दैट विल बी ट्रांसफर टू इक्विटी। यस, होता है, पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट आपने दे दिया तो आपने प्रीमियम रिसीव किया होगा, तो वो आपका इक्विटी में जाएगा। इंड एस 19 का डाउट मैं अभी सॉल्व नहीं करूंगा। ऑन सेटलमेंट इन नॉर्मल इफ लैप्स देन रिक्लासिफाइड टू इक्विटी, बट इन केस ऑफ सब्सिडरी एनसीआई कैन बी रिक्लासिफाइड? I didn't understood your doubt, Parshuram. Employee को concession rate पर loan दिया तो जो final fair value of loan and amount paid difference का क्या होगा? Employee expense होगा, काम ही नहीं। अगर employee को loan दिया, staff loan दिया और उसको आपने present value पर book किया है, तो जो भी difference आएगा वो आपका employee expense होगा। That employee expense you have to recognize to profit and loss either immediately और ओवर द लाइफ ऑफ लोन। डिपेंड करता है आपको कि आप उसको बेनिफिट और लाइफ ऑफ लोन में मान के चल रहे हो कि नहीं। चलिए, और किसी को कोई डाउट नहीं आ रहा, इसीलिए मैं चैट को वापस से डिसेबल कर रहा हूं। अब जो ये दो पॉइंट्स हैं, ये दो पॉइंट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दोनों के दोनों पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इस पेज को हम बस खत्म करने वाले हैं, उसके बाद मैं बीच में थोड़ा सा ब्रेक लूंगा क्योंकि उसके बाद फिर डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक है ना। मैं बीच में ब्रेक लूंगा, ब्रेक लूंगा मैं मतलब ये हुआ कि मैं एक न्यू लिंक शेयर करूंगा आपके साथ, ठीक है ना। अभी आप मेरे साथ जुड़े रहिए ये दो पॉइंट्स के लिए। इंपेयरमेंट ऑफ फाइनेंशियल असेट, फाइनेंशियल असेट का इंपेयरमेंट, बच्चों इंपेयरमेंट के लिए इंडिया 36 होता है, तो क्या फाइनेंशियल असेट का भी इंपेयरमेंट के लिए इंडेस 36 में जाएंगे? द आंसर इज नो। उसका इंपेयरमेंट हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वाले इसी टॉपिक में देखेंगे। फाइनेंशियल असेट का इंपेयरमेंट हम हमेशा यहीं पर देखते हैं। इंडेस 36 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को डील नहीं करता, ठीक है सर। अब फाइनेंशियल असेट में तीन कैटेगरी होती है, एएमसी, एफईटी और सी एफईटीपीएल। एफईटीपीएल का कभी भी इंपेयरमेंट नहीं होगा क्योंकि वो तो वैसे भी एफईटीपीएल है ना, तो इसका मतलब इंपेयरमेंट किसका होगा, एएमसी कैटेगरी का या एफपीटीओसीआई कैटेगरी का? सर एफपीटीओसीआई पे कभी क्यों कर रहे हो, क्योंकि सर वो भी तो फेयर वैल्यू हो रही है। बच्चों वो फेयर वैल्यू हो रही है पर उसका गेन लॉस कहां जा रहा है, ओसीआई में, जबकि एफपीटीओसीआई का इंपेयरमेंट करके जो भी उसका इंपेयरमेंट लॉस होगा वो पीएनएल में जाएगा, याद रखना। इंपेयरमेंट लॉस ऑलवेज ट्रांसफर पीएनएल। अब ये इंपेयरमेंट का मेथड कौन सा है? मेथड है एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस मेथड। इसको कैसे समझेंगे, क्योंकि असेट है मतलब कुछ अमाउंट मिलना है, चाहे वो सीसीएफ हो चाहे नॉन सीसीएफ हो। आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग टू रिकवर, ठीक है ना। मतलब मेरा कुछ क्रेडिट
मार्केट में पड़ा हुआ है, मुझे कुछ पैसा लेना है मार्केट से, मेरा क्रेडिट मार्केट में पड़ा हुआ है, मेरे डेटर से पैसे लेने हैं। जनरली ये कौन अप्लाई करता है? बैंक्स अप्लाई करते हैं, इसीलिए उसको बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो अच्छा लगेगा। बैंक के जितने भी एडवांसेस हैं बाजार में, जो बैंक ने लोन बांटे हुए, वो इंपेयर तो नहीं हो गए क्योंकि वो बैंक की रिकवरीज होने वाली है। रिकवरीज होंगी भी कि नहीं होंगी? क्रेडिट, बैंक ने जो क्रेडिट दिया हुआ है उसमें से कितना लॉस हमें एक्सपेक्टेड है, कितना लॉस एक्सपेक्टेड है, वो कैसे सोचेंगे? ये मेथड दो ऑप्शन देता है, 12 मंथ और लाइफ टाइम। अब ये 12 मंथ क्या है? मान लीजिए मैंने एक एडवांस दिया, एक लोन दिया, बैंक ने एक लोन दिया 10 साल के लिए, 10 साल के लिए। 12 मंथ का मतलब 10 साल का है, ठीक है, अपकमिंग 12 मंथ तक मुझे कितना पैसा रिकवर होने वाला है, 12 मंथ के अंदर अंदर मुझे कितने ईएमआई मिलने वाली हैं, मैं सिर्फ उनका ध्यान रखूंगा, मैं उनको कंसीडर करूंगा। सेकेंड ईयर से लेकर 10th ईयर तक मुझे 12 मंथ के बाद की जो भी ईएमआई मिलने वाली है मैं उसको इग्नोर करूंगा इसमें। और लाइफ टाइम मतलब ये साल 10, ये लोन 10 साल का अभी भी रिमेनिंग है, तो 10 सालों में मुझे कितना पैसा, कितनी ईएमआईस मिलने वाली है, मैं सबकी सब कंसीडर करूंगा। समझ में आई बात की नहीं? अब ये 12 मंथ कब लगाना है और लाइफ टाइम कब लगाना है? लाइफ टाइम आपको तब लगाना है जब आपकी फाइनेंशियल एसेट हाई रिस्क कैटेगरी में हो, हाई रिस्क ऑफ डिफॉल्ट, या फिर क्रेडिट इंपेयर्ड हो। ये क्रेडिट इंपेयर्ड मतलब सीधी बात है, जहां पर डिफॉल्ट ऑलरेडी हो चुका है, आपको पता है कि आपका कस्टमर हाई रिस्क कैटेगरी का है, एनपीए कैटेगरी का है, आप इसको ये बोल सकते हो एनपीए कैटेगरी, सीधी सीधी बात है। अगर आपका कस्टमर एनपीए कैटेगरी का है तो इसका मतलब आप उसके ऊपर लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड लॉस क्रेडिट मेथड के अकॉर्डिंग इंपेयरमेंट करोगे, मतलब उसके जितने भी रिमेनिंग ईयर्स बचे हैं उसके सारे ईएमआईस को कंसीडर करोगे, उसको बोलोगे लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, मतलब जितना पैसा लेना बाकी है, 10 साल रिमेनिंग लोन चल रहा है 10 साल का, 10 साल में जितना पैसा मुझे लेना बाकी है उसके ऊपर मैं प्रोविजन बनाऊंगा, उसके ऊपर मैं इंपेयरमेंट करूंगा। जबकि अगर मेरा नॉर्मल नॉन एनपीए कैटेगरी है, कोई हाई रिस्क ऑफ डिफॉल्ट नहीं है, तो मैं बोलूंगा यार 10 साल का लोन चल रहा है, अपकमिंग 12 मंथ्स तक मुझे कितना पैसा मिलने वाला है, मैं उसके ऊपर प्रोविजन क्रिएट करूंगा। इंपेयरमेंट की बात चल रही है, मतलब एनपीए प्रोविजंस की बात चल रही है, कहीं ना कहीं प्रोविजंस की बात चल रही है। कंसीडर प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, पीओडी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट ऑन कमिंग 12 मंथ ऑफ रीपेमेंट। कंसीडर लाइफ टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, पीओडी ऑन रीपेमेंट्स, ऑन ऑल रीपेमेंट्स, आई कैन से ऑल रीपेमेंट्स। सर ये पीओडी क्या है? एक्चुअली आपको एक प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट निकालना पड़ता है, आपको एक एक्सपर्ट निकाल के देगा कि यार प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट आने वाले 12 महीने में जो मुझे पेमेंट मिलने वाला है उसमें डिफॉल्ट करने की प्रोबेबिलिटी 10% है, लाइफ टाइम में जो मुझे उससे मिलने वाला है क्योंकि वो हाई रिस्क वाला कस्टमर है मुझे प्रोबेबिलिटी 15% है, तो जो भी लाइफ टाइम में मुझे उससे मिलने वाला है 10 सालों में मैं उसके ऊपर 15% पीओडी लगाऊंगा, और यहां मैं जो भी पीओडी वो लगाऊंगा। फॉर्मूला क्या बन जाएगा? अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल असेट, मान लीजिए अगर मैं 12 महीने की बात कर रहा हूँ, 10 लाख का लोन है पर मुझे पता है कि विद इन 12 मंथ तो मुझे सिर्फ 150 मिलने वाला है, तो 150,000 इंटू पीओडी, मान लीजिए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ अनरियलाइज कैश फ्लो, कितना पैसा नहीं मिलेगा इसमें से, मुझे लगता है मेरा 50% पैसा नहीं मिलेगा, उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है? 100% प्रोबेबिलिटी है क्या? नहीं, उसकी प्रोबेबिलिटी है 25%। 150,000 मुझे 12 मंथ में मिलने वाला है, उसका 50% मुझे लगता है कि रियलाइज नहीं हो पाएगा, और उसके कितने चांसेस है? 25% चांसेस है, तो दिस विल बी द अमाउंट ऑफ इंपेयरमेंट, दैट मींस प्रोविजन। नाउ लाइफ टाइम की अगर बात करें तो लाइफ टाइम में तो मुझे पूरे पूरे 10 लाख मिलने वाले, तो यहां 150 के अलावा, 150 के बदले यहां पर कितना आ जाएगा? 10 लाख। 10 लाख के डूबने के कितने, 10 लाख में से कितने डूबेंगे? मुझे लगता है 10 लाख में से कम 80% डूबेगा, उसके कितने चांसेस हैं? मुझे लगता है 50% चांसेस हैं। ये आ गया आपका, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट और प्रोबेबिलिटी ऑफ अनरियलाइज कैश इनफ्लोस, आपको इस तरीके से चलना है। समझ में आया कि नहीं? ये हो गया आपका इंपेयरमेंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट, हमेशा पी एंड एल याद रखना, हमेशा पी एंड एल, चाहे एफबीटी ओसीआई कैटेगरी क्यों ना हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
डी रिकग्निशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट, मतलब डेटर्स आपकी बुक्स में रखे हैं, लोन्स रखे हैं जो आपने दिए हैं, एडवांसेस जो आपने दिए हैं, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट आपने जो दिए हैं, वो सब। बट जनरली हम यहाँ पर लोन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, बेसिकली ये भी एक तरीके से बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा है। ये दोनों पॉइंट कहीं ना कहीं बैंक्स को ध्यान में रखते हुए है, डी रिकग्निशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट, फुल डिस्पोजल, आपकी पूरी फाइनेंशियल एसेट खत्म हो रही है। बैंक के साथ एक लोन चल रहा था, कस्टमर के साथ डिफॉल्ट हुआ, उसने फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर दिया, डिफरेंस विल बी ट्रांसफर टू पीएनएल, खत्म, पार्शियल डिस्पोजल। आपने पढ़ा होगा लॉ में असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एक एक्ट है, सिक्योरिटाइजेशन एक्ट। अगर बैंक अपना असेट उस असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को बेच देती है और पार्शियली बेचती है, पार्शियली डिस्पोज करती है, बाकी मान लो इंटरेस्ट रिकवर के राइट अपने पास रखती है, प्रिंसिपल रिकवर करने के राइट दे देती है, या इंटरेस्ट के भी कुछ पोर्शन अपने पास रखती है, बाकी पोर्शन दे देती है, तो इसको बोलते हैं पार्शियल डिस्पोजल। पार्शियल डिस्पोजल ऐसे केस में क्या करोगे, ऐसे केस में आप अपनी फाइनेंशियल असेट के कैरिंग अमाउंट को दो हिस्सों में डिवाइड करोगे, स्प्लिट द फाइनेंशियल असेट इनटू स्ट्रिप सोल्ड, मतलब जितना पोर्शन आप बेचने वाले हो, जितना पोर्शन आप रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को दे रहे हो, एंड जितना पोर्शन आप अपने पास रख रहे हो, जितना पोर्शन आप अपने पास रख रहे हो उसमें से प्रिंसिपल पोर्शन कितना है जो आप रिकवर करोगे, अगर प्रिंसिपल पोर्शन अपने पास रख रहे हो तो, इंटरेस्ट का राइट अगर आपने अपने पास रखा है तो वो कितना है, और जो भी आप इसके ऊपर आगे आने वाले सालों में खर्चा करोगे, सर्विस असेट, कॉस्ट ऑफ कलेक्शन, वो पोर्शन कितना है। तो कुल मिला के दो हिस्से होते हैं, एक स्ट्रिप सोल्ड जो आपने बेचा कंपनी को, और जो आपने नहीं बेचा अपने पास रखा, उसके तीन सेपरेट कैटेगरीज में रखोगे। अब आप ये किस रेशियो में डिवाइड करोगे, आप अपने पूरे कैरिंग अमाउंट ऑफ लोन को किस हिस्से में, मतलब किस प्रोपोर्शन में डिवाइड करोगे। स्ट्रिप सोल्ड विल बी डी रिकॉग्नाइज्ड, छोड़ो ये वाला पॉइंट नहीं, अबव स्प्लिट शैल बी डन इन द प्रोपोर्शन टू फेयर वैल्यूज। फेयर वैल्यूज, फेयर वैल्यूज मतलब आपका मान लीजिए लोन चल रहा है 10 लाख रुपए, आपको तो अपने कस्टमर से 10 लाख रुपए वसूल करने हैं, आपको वसूल नहीं हो पा रहे, आप ये 10 लाख का लोन किसको ट्रांसफर कर दोगे, मान लो 12% का इंटरेस्ट है, आप किसको ट्रांसफर करोगे, रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को। रिकंस्ट्रक्शन कंपनी आपसे CCF पूछेगी और वो आपको एक डिस्काउंटिंग रेट देगी 1, 2, 3, 4 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर की, ठीक है ना। आपको आपको ये चेक करना है कि आपने 10 लाख में से कितने राइट्स ट्रांसफर किए हैं और कितने राइट्स ट्रांसफर नहीं किए। मान लीजिए आपने 80% राइट ट्रांसफर कर दिए फॉर बोथ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, तो मतलब 20% राइट आपने अपने पास रख दिए, तो आपको करना ये है 80% CCF और 20% CCF का जो भी न्यू डिस्काउंटिंग रेट होगा जो आपको रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने दिया है, इसका आप निकालोगे प्रेजेंट वैल्यू, इसकी आएगी ये फेयर वैल्यू, इसकी आएगी ये फेयर वैल्यू, जो भी ये फेयर वैल्यू आ रही है, मान लीजिए ये फेयर वैल्यू आ रही है 6,15,890 और ये आ रही है 2,05,710, इस 10 लाख के लोन को आप इस प्रपोर्शन में डिवाइड कर दोगे, ठीक है ना। तो ये आपकी बन जाएगी स्ट्रिप सोल्ड और ये हो जाएगा आपका अनसोल्ड। अब इस अनसोल्ड के भी तीन हिस्से निकलेंगे, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट। सर अब ये तीन हिस्से किस बेसिस पे होंगे, आपका जो ये CCF था इसमें से इंटरेस्ट पोर्शन कितना था, प्रिंसिपल कितना था और कॉस्ट ऑफ कलेक्शन कितना था, उसका सेपरेटली निकाल लो प्रेजेंट वैल्यू, उसको आप प्रपोर्शन में डाल दो कि इंटरेस्ट पोर्शन कितना था, प्रिंसिपल पोर्शन कितना था, वो आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका स्ट्रिप सोल्ड, स्ट्रिप अनसोल्ड आ जाएगा। जो आपकी स्ट्रिप सोल्ड आई है इट विल बी डी रिकॉग्नाइज एंड डिफरेंस ट्रांसफर टू पीएनएल। अब आपने जो पोर्शन बेचा है रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को वहां से आपको कुछ कलेक्शन मिलेगा, जो भी आपका डिफरेंस आया वो आपका पीएनएल में जाएगा, जो आपकी स्प्लिट अनसोल्ड है वो आपकी बुक्स में पड़ी रहेंगी सिंपली। अब ये चीज का आप मगर मुझे बोलोगे एग्जाम्पल करके बताओ, प्रॉपरली क्वेश्चन करके बताओ, आधा घंटा लग जाएगा बॉस, बेहतर है आप इसको क्वेश्चन देख लीजिएगा, मैंने जैसा आपको ये बताया है इस सेंस में होता है। आपको एक और बात बता दूं, जनरली वो आपको फेयर वैल्यूज देते हैं, इंस्टीट्यूट इतना लल्लू क्वेश्चन देता है कि वो आपको ये फेयर वैल्यूज निकाल के देगा। मैंने तो आपको बल्कि बताया कि अगर कल को आपको फेयर वैल्यूज ना दिया जाए तो कुछ नहीं करना है, 80% पोर्शन जो आपने बेचा है उसका CCF का प्रेजेंट वैल्यू निकालो न्यू डिस्काउंटिंग रेट पर, जो आपको वो देगा, जो भी वैल्यू आएगी वही फेयर वैल्यू मानी जाएगी, यहां पर जो वैल्यू आएगी वही फेयर वैल्यू मानी जाएगी। इन दोनों की फेयर वैल्यू के प्रोपोर्शन में आप कैरिंग अमाउंट ऑफ लोन को अपोर्शन करोगे स्ट्रिप सोल्ड, स्ट्रिप अनसोल्ड में सिंपली। फिर जो स्ट्रिप अनसोल्ड है उसको भी आप सब डिवाइड करोगे प्रिंसिपल और उस प्रोपोर्शन में अकॉर्डिंगली, कितना कितना परसेंटेज है सिंपली, ठीक है बेटा। दिस वॉज डी रिकॉग्निशन ऑफ फाइनेंशियल असेट, अगेन मेकिंग लाइव चैट इनेबल फॉर दिस, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए।
सर द सब्सिक्वेंट मेजरमेंट इंक्लूड एक्सटिंग्विशमेंट? यस डेफिनेटली इट इंक्लूड्स एक्सटिंग्विशमेंट। एक्सटिंग्विशमेंट का मतलब ये होता है कि आप अपनी फाइनेंशियल लाइबिलिटी को, एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल लाइबिलिटी को खत्म कर रहे हो, और आपका एग्रीमेंट सेम पार्टी के साथ ऐसा हुआ है कि आप नई फाइनेंशियल लाइबिलिटी दिखा रहे हो। तो एक्सटिंग्विशमेंट क्या होता है कि आप एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल लाइबिलिटी को खत्म कर देते हो और आप नई फाइनेंशियल लाइबिलिटी दिखाते हो। एक्सटिंग्विशमेंट भी सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में आता है। सर्विस असेट का क्या होता है? सर सर्विस असेट का भी कुछ नहीं होता है, जैसे जैसे आपको ये 20% पोर्शन आपको मिलता जाता है, रिकवर होता जाता है, तो आपकी ये तीनों चीजें इंटरेस्ट प्रिंसिपल और सर्विस असेट धीरे 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 आपकी ये खत्म होती कम होती जाती है। वी कैन मेड इंपेयरमेंट लॉस व्हेन इक्विटी इज हेल्ड एफपीटीओसीआई? यस डेफिनेटली वी कैन अप्लाई इंपेयरमेंट ऑन एफपीटीओसीआई कैटेगरी ऑफ इक्विटी पोर्शन। सर सिली डाउट इंपेयरमेंट एंड रिवोल्यूशन में कंफ्यूजन हो गया वो पॉइंट पढ़ के। सी इंपेयरमेंट सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस होता है। रिवैल्यूएशन आपको करना ही करना है अपने फाइनेंशियल असेट का। इंपेयरमेंट तब करोगे जब आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस लग रहा है, रिकवर नहीं होगा पैसा तब, सिंपली। और एक बात बताऊं सच्ची बच्ची, फाइनेंशियल असेट में इंपेयरमेंट तभी होगा जब बैंक की बात करेंगे अपन, मतलब पैसा रिकवर नहीं होने वाला तब। नॉर्मल इक्विटी शेयर्स है या कुछ है तो वहां पर इंपेयरमेंट नहीं होगा। सर इंपेयरमेंट क्या हर साल होगा? मैंने बोला इंपेयरमेंट डिपेंड करता है कि आपको रिकवर नॉन रिकवर कितना है उसके हिसाब से। सर्विस असेट क्या होता है? बेसिकली जो आप खर्चा करने वाले हो लोन रिकवर करने के ऊपर, जो भी आप खर्चा करने वाले हो वो होता है सर्विस असेट। कहीं ना कहीं वो खर्चा भी तो आप कैसे सेट ऑफ करोगे? जो रिकवरी होगी उसी से सेट ऑफ करोगे, तो जो रिकवरी होगी उसी से सेट ऑफ करोगे, तो उतना पोर्शन आप अलग से सर्विस असेट बना लेते हो। इफ असेट हेल्ड ऑन एफईटीपीएल देन इंपेयरमेंट होता है? नहीं होता है ना एकता, मैंने बोला तो सही एफईटीपीएल कैटेगरी का नहीं होता है। सर सपोज लोन कंसेशनल रेट पे सप्लायर प्रोवाइडिंग रॉ मटेरियल को दिया है, देन होल डिफरेंस विल ट्रांसफर टू पीएनएल? यस समटाइम फाइनेंशियल असेट इज ट्रांसफर्ड बट ऑल सिग्निफिकेंट रिस्क आर नॉट ट्रांसफर्ड, देन प्रोसीड रिसीव विल बी रिसीव्ड एज रिकॉर्डेड एज फाइनेंशियल असेट इज ट्रांसफर बट ऑल सिग्निफिकेंट रिस्क आर नॉट ट्रांसफर्ड। वो तो फिर फैक्टरिंग वाला केस हो गया, डिपेंड करता है कि रिकोर्स है और नॉन रिकोर्स है, वो दैट डिपेंड्स। अगर ऐसे केस में तो फिर यू कैन इफ द प्रोसीड रिसीव, दैट प्रोसीड रिसीव विल बी ट्रीटेड एज फाइनेंशियल लाइबिलिटी इंस्टेड। परशुराम इट इज अ गुड क्वेश्चन, देन द प्रोसीड रिसीव विल बी फाइनेंशियल लाइबिलिटी बिकॉज यू आर नॉट डी रिकॉग्नाइजिंग द फाइनेंशियल असेट। डिफरेंस बिटवीन एन अनसोल्ड स्क्रिप्ट पे क्या होगा? डिफरेंस अनसोल्ड स्क्रिप्ट पे कुछ आएगा ही नहीं। सर एलोकेशन ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ स्ट्रिप्स अनसोल्ड इनटू प्रिंसिपल इंटरेस्ट एंड कॉस्ट इन विच रेशियो? इन प्रपोर्शन ऑफ प्रिंसिपल पोर्शन। सी यू नो द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल पोर्शन, इंटरेस्ट पोर्शन एंड सर्विस कॉस्ट पोर्शन, परसेंटेज वाइज और अमाउंट वाइज। इन दैट वैल्यू, इन दैट वे यू कैन डिस्ट्रीब्यूट। लोन गिवन फॉर 10 लाख कैन नाउ हैव फेयर वैल्यू इज 8 लाख, सो हेयर कैरिंग अमाउंट इज 8 लाख, राइट? यस आई शू मुरली, यस 8 लाख, राइट? सर व्हाट इज मेंट बाय एंटी अब्यूज क्लॉज? कैन यू प्लीज गिव एन एग्जांपल ऑफ एंटी अब्यूज क्लॉज इन केस ऑफ कंडीशंस ऑफ पुटेबल इंस्ट्रूमेंट? बेटा इसके बारे में मुझे एक अलग से सेशन बनाना पड़ेगा एंटी अब्यूज क्लॉज के लिए। आप एक काम करना शुभम, मुझे अलग से व्हाट्सएप पर रिप्लाई करना, रिमाइंड करवाना, क्योंकि मुझे एक दो बच्चों ने और पूछा है, तो जो भी आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में लिखा हुआ है उसको भी मुझे एक बार उसका स्क्रीनशॉट देना, और मैं इसके बारे में एक अलग से सेशन बना लूँगा 10-15 मिनट का, वो ज़्यादा सही रहेगा। ओके टेल मी, सो नाउ कैन वी टेक अ ब्रेक? और अगर ब्रेक चाहिए तो कितने टाइम का ब्रेक चाहिए? बिकॉज नाउ ब्रेक के बाद जब हम मिलेंगे तो इकट्ठा पूरा का पूरा अपन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का पोर्शन, डेरिवेटिव वाला पोर्शन एक ही बार में खत्म कर लेंगे।
सो कैन वी टेक द ब्रेक, और ब्रेक कितने टाइम का होना चाहिए प्लीज़ मुझे बताइए। मिनिमम आधे घंटे का ब्रेक तो मुझे चाहिए चाहिए, उससे ज़्यादा भी आपको अगर चाहिए तो मुझे बता दीजिए। आई विल शेयर यू शेयर विद यू न्यू लिंक ऑन माई टेलीग्राम ग्रुप। सर इफ ट्रांसफर इज विथ रिकोर्स देन फाइनेंशियल असेट शुड डी रिकॉग्नाइज और नॉट येट, इट शुड बी डी रिकॉग्नाइज। सिंपली अगर रिस्क ट्रांसफर कर रहे हो तो फाइनेंशियल असेट को डी रिकॉग्नाइज करोगे, अगर रिस्क ट्रांसफर नहीं कर रहे हो तो फाइनेंशियल असेट को डी रिकॉग्नाइज नहीं करोगे, जो भी आपको प्रोसीड मिला है उसको फाइनेंशियल लाइबिलिटी मानोगे। अंडरस्टूड सर? अराउंड 1 आवर ब्रेक और मोर। अच्छा कुछ बच्चे बोल रहे हैं 1 आवर, कुछ बच्चे बोल रहे हैं हाफ एन आवर। इट्स 2 o'clock राइट नाउ। आई थिंक ठीक है, इट्स 2 o'clock राइट नाउ। टू फोर्टी फाइव पी एम। ओके सो वील रिज्यूम द सेशन एट 2:45। कोई इस स्क्रीन की फोटो ले ले और ये स्क्रीन का फोटो शेयर कर दीजिए टेलीग्राम पे, ताकि बच्चे बार बार पूछे ना कि कब होगा शुरू, शुरू कब होगा। ठीक है ना, इस स्क्रीन का फोटो शेयर कर लीजिए और ये बता दीजिए कि आई विल शेयर द न्यू लिंक। बच्चे बार बार पूछते नहीं तो कब शुरू होगा, कब शुरू होगा, कब शुरू होगा। ठीक है, नो वी कांट कंटिन्यू टुमारो बिकॉज टुमारो एंड ऑन संडे आई एम नॉट गोइंग टू टेक द लेक्चर, बिकॉज ऑन संडे भोपाल में टोटल लॉकडाउन होता है तो ऑफिस ओपन होते नहीं है। सैटरडे कल एक्चुअली आई हैव सम पर्सनल वर्क, मुझे अपने फादर को भी चेकअप के लिए ले जाना है, तो मैं सैटरडे तो नहीं चल पाऊंगा, कल चल पाऊंगा मतलब आपके साथ नहीं रह पाऊंगा, और संडे को टोटल लॉकडाउन होता है, तो वी विल कंटिन्यू फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स। ठीक है, सेशन चेंज कर रहे हो कि इसमें ही कंटिन्यू करेंगे? जब लिख दिया मैंने विल शेयर द न्यू लिंक तो बात ही खत्म हो गई। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय माता दी, अल्लाह।